40 मिनट हो गया था इसलिए। अच्छा चलो शेयर करते हैं दोबारा। सर कोई मसला हो गया था मुझे नहीं पता, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? अब क्या? यस सर स्क्रीन आ रही है। सर जूम जूम डिस्कनेक्ट हुआ था। सर आ रही है तो हाँ जूम डिस्कनेक्ट हुआ मीटिंग था। टाइम मीटिंग एंड हो गया। 15 मिनट्स में डिस्कनेक्ट हो जाता है सेशन। ठीक है। अच्छा अभी अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। स्लाइड नजर आ रही है? चलो ठीक है अभी ये तो होगा। चलो कोई मसला नहीं, इस पर हम डिबेट क्या करें, मसाइल तो रहेंगे अभी आपकी तरफ से। अच्छा जी आइए हम आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैंने। ठीक है। अच्छा कहता ये है, मैं इसको म्यूट भी कर देता हूँ ताकि 40 मिनट्स है ना हमारे पास। अब कहता ये है कि हमारे पास जो अगला एलिमेंट यहाँ पे जो आ रहा है इस तरह जीरो, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास यहाँ तक के एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट हैं, ये बेसिकली nth एलिमेंट है जो हमने पहले ही तय किया हुआ था। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट है इक्वलेंट ये दिस वन nth टर्म। ये जो टी जीरो है ये फर्स्ट जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट जीरो यहाँ वाले को, फर्स्ट जीरो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है मैं बताना चाह रहा हूँ। और हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जीरो कॉल तो होगा यानी एन की जगह जीरो तो आएगा, लेकिन इसकी कंपैरिजन होगी और ये बाहर निकल जाएगा विदाउट एनी एक्शन। तो एक दफा कंपेयर तो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जीरो जो है यानी टी जीरो जो है वन कंपेरिजन, सो टी जीरो इज इक्वल टू वन। टी जीरो किसके बराबर हो जाएगा? वन के बराबर हो जाएगा। कर दिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा जी तो इसका मतलब ये तो हो गया nth टर्म और ये t0 की एक वैल्यू ये वाली आ गई, यानी t0 जो है वो ये वाली वैल्यू उसकी ये जनरेट हो गई, ये एक कंपैरिजन की वजह से जनरेट हुई। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? ये n प्लस वन एथ हो जाएगा। टोटल टर्म होगा n प्लस वन एथ टर्म्स और tn की वैल्यू आ जाएगी n प्लस वन और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि n प्लस वन में से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो बेसिकली n है, तो हम कहेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n है और ये जो इसका है ये रनिंग टाइम इसका कहलाएगा। तो ये जो अभी हमारे पास एल्गोरिथम दिया हुआ था इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, एक पैटर्न था। मैं आपसे अगर कहूँ और सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से फर्स्ट नीचे चला गया प्रिंट ऊपर चला गया तो इसके टाइम और स्पेस में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट को हटा के इस वाले फर्स्ट को हटा के नीचे लिख दें, प्रिंट को ऊपर लिख दें, शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया भी था, तो इसके टाइम और स्पेस में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ प्रिंटिंग क्या होगी वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जैसे अभी प्रिंटिंग हुई है 1 2 3, तो इसको ऊपर नीचे करने से 2 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, हमने लास्ट क्लास में ये लास्ट क्लास में मैंने टाइम एनालाइज नहीं किया था तो मैंने करके दे दिया इसलिए कि आपको पता होगा टाइम कैसा। अब अगर हम लास्ट क्लास के दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएं जो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंटिंग दो जॉब के दरमियान है, इसकी भी तीन पैटर्न है और सुनिएगा। तीन पैटर्न कौन कौन से? कि हम कहें कि फर्स्ट है यानी एक रिकर्सिव कॉल है, फिर प्रिंटिंग है और फिर रिकर्सिव कॉल है। प्रिंटिंग का मतलब एक जॉब भी हो सकती है इस जगह पे, दो जॉब भी हो सकती है, तीन जॉब भी हो सकती है। एक पैटर्न यह है कि जॉब जो है वो दो रिकर्सिव कॉल के दरमियान है। आप सवाल पूछ सकते हैं कि दोनों रिकर्सिव कॉल सेम होना जरूरी है कि n-1 n-1, ये क्योंकि अभी क्योंकि हम फेस टू फेस नहीं है तो सवाल इसलिए आप पूछ ना रहे हो, और ये सवाल बिल्कुल रेज होता है कि क्या ये जरूरी है। रिकर्सिव का मतलब फर्स्ट, अगर ये फंक्शन फर्स्ट का है तो फंक्शन तो फर्स्ट का होगा, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि दोनों एन माइनस वन के ही होंगे? हो सकता है कि ये वाला एन माइनस टू का हो, ठीक है इसको मैं एन माइनस टू कर दूं, अब क्या होगा इस सूरत में, या इसको एन माइनस टू कर दूं, उसको एन माइनस वन कर दूं, तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है तो अभी हम इस तरफ नहीं जा रहे कि ये दोनों सेम है या नहीं है, अभी हम सीधे जा रहे हैं कि इसको देख लें। अच्छा ये मैं बताता हूँ अभी दोबारा, थोड़ा सा रुक जाओ पिछली स्लाइड में जाने से पहले, इसको कंप्लीट करो फिर पिछली स्लाइड पे आता हूँ, कुछ क्वेश्चन है उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इस वक्त हम बहुत सारे सिचुएशन है, सारे सिचुएशन को हैंडल नहीं करेंगे, 1 to 1 एक एक करके जो है वो हैंडल कर रहे होंगे, कुछ सिचुएशन जो है वो हम क्वेश्चंस में ही सॉल्व कर रहे होंगे। अभी तो हम स्पेसिफिक लेके बात कर रहे हैं ना, तो एक बेस हमारा स्टैंड हो जाए कि भाई ये ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये हमारे पास आ गया और हमने कहा चलो अभी सिचुएशन इसी के अंदर सेम रिकर्सिव नंबर से ही अगर देखा जाए तो तीन सिचुएशन है। एक तो ये है कि फर्स्ट और
प्रिंट और फर्स्ट, ये भी हो सकता है कि दो फर्स्ट आ जाए फिर नीचे प्रिंट चला जाए, या प्रिंट आ जाए फिर दो फर्स्ट आ जाए। तो ये तीन सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है। उन तीनों सुइटों में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ प्रिंटिंग जॉब में फर्क आएगी, ट्री डायग्राम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आप चाहे इसको एनालाइज करें, या आप दोनों फर्स्ट को पहले रख के प्रिंट को आखिर में कर दें, या प्रिंट को पहले रख के दोनों फर्स्ट को आखिर में कर दें, इन सूरतों में इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्रिंटिंग चेंज होगी। ये दो बताया मैंने, ठीक है। अब वो कहता है व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द एल्गोरिथम इफ वी रन एफ फर्स्ट ऑफ थ्री, अगर मैं इसको थ्री के लिए रन करूं तो क्या आउटपुट होगा। ठीक, आइए, हमने इसका डायग्राम बना चुके हैं लास्ट क्लास में। वो कहता है इस वक्त इसकी डायग्राम ये नजर आ रही है हमें, ट्री ऑफ गिवन रिकर्सिव एल्गोरिथम, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। इसको एनालाइज भी हमने इस तरह से लास्ट क्लास में कर लिया था, और वो ये बता रहा था कि इसको एनालाइज करने के लिए हमने जो प्रिंटिंग जॉब, जो प्रिंटिंग का मैटर निकाला था, तो प्रिंटिंग इसकी हुई थी 1:1, 3 फिर 1:1, यानी इस बेसिस पे कि जब ये नीचे आ रहा है फाइनल आया तो 1 इस वाले प्रिंट की वजह से, फिर इसकी वजह से 2, फिर ये वाला 1, और फिर यहाँ जाके 3 प्रिंट किया था इसने। ठीक, और वो कि हमारा अभी प्रिंटिंग मसला भी नहीं है, ये तो जो प्रोग्रामर है वो लिख के भी देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट को, ये वाले फर्स्ट को नीचे कर दूं तो दो फर्स्ट नीचे हो जाएंगे, प्रिंट पहले हो जाएगा, तो इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगा। मसला हमारा यह है कि बताइए कि इसने, अगर ये वाली जॉब दो रिकर्सिव कॉल हो रही है या तीन रिकर्सिव कॉल हो रही है, तो इसको स्पेस कितना चाहिए। तो अभी हम दो की बात कर रहे हैं, कितना स्पेस इसको रिक्वायर्ड है। इंटरेस्टिंग, वो कहता है कि जब मैंने लास्ट क्लास में इसको किया था तो हमने एक बहुत अहम बात नोट की थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही, तो हमने एक बहुत अहम बात नोट की थी, वो ये कि सेम डेप्थ पे कॉल होने वाला रिकर्सिव कॉल, यानी सेम डेप्थ पे मौजूद रिकर्सिव कॉल स्टैक में सेम पोजिशन लेगा। यानी मिसाल के तौर पर F2 है, उसको F कर दिया मैंने फर्स्ट को, F2 है, तो जिस पोजिशन पे पहले ये आएगा उसी पोजिशन पे बाद में ये आएगा, ये वाला F2, तो इन दोनों को सेम लोकेशन चाहिए। फिर ये जो F1 है, फिर ये वाला F1 है, फिर ये F1 है और ये F1 है, इन चारों को सेम लोकेशन स्टैक में चाहिए। ठीक है, और इसी तरह F0 है, जितने भी ये सब क्योंकि सेम डेप्थ पे हैं, डेप्थ सेम है इनकी, तो इनको एक ही लोकेशन चाहिए। एक जाता है फिर बाहर आ जाता है, फिर दूसरा जाता है वो बाहर आ जाता है, फिर तीसरा जाता है बाहर, तो रिकर्सिव कॉल के वक्त उनको सेम। तो अब आप कहेंगे कि अच्छा, पहले F3 को एक लोकेशन चाहिए, फिर F2 को एक लोकेशन चाहिए, फिर F1 को एक लोकेशन चाहिए, फिर F0 को एक लोकेशन, तो टोटल 1, 2, 3, 4 लोकेशन, यानी इस दो रिकर्सिव कॉल को चलाने के बावजूद भी हमें इस वक्त यहाँ पे 4 रिकर्सिव कॉल, यानी जितना डेटा दिया हुआ है उससे एक ज्यादा रिकर्सिव कॉल, एक ज्यादा स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड होगा। एक ज्यादा इसलिए कहते हैं कि जो फेलियर वाला है वो भी स्टैक में जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आउटपुट तो ये आ गया, एवरी रिकर्सिव कॉल एट द सेम डेप्थ, जो सेम डेप्थ पे मौजूद है रिकर्सिव कॉल, ठीक है, विल टेक होगा, विल टेक द सेम प्लेस इन स्टैक। ये बेसिकली आप कहेंगे कि ये सारे के सारे जो है वो सेम जगह लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिकर्सिव कॉल है वो सेम जगह लेंगे, सेम डेप्थ पे रहने वाले। ओवरऑल स्टैक इज ओनली नीडेड 4 प्लेसेस, अभी इसी की बात हो रही है जो अभी हम कर रहे थे, 4 प्लेस बिकॉज 4 डिफरेंट रिकर्सिव कॉल यहाँ पे हुई हैं, 4 रिकर्सिव कॉल भी, जो सवाल हमने पूछा था उसके लिए, फर्स्ट 3 के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड ऑन द स्पेस ऑफ द स्टैक, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिकर्सिव कॉल की डिपेंड करती है स्टैक पे। One more space of provided data is required because of the failure recursive call. एक ज्यादा स्पेस चाहिए होता है जितना डेटा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक फेलियर वाला भी स्टैक में जाता है। ये बात इन्होंने यहाँ लिख दी। तो कहते हैं कितना स्पेस चाहिए होगा इस केस में भी, कहते हैं द स्पेस रिक्वायरमेंट इज tn इज इक्वल टू n+1। अगर n डेटा है तो एक एक्स्ट्रा आपको स्पेस चाहिए, और टोटल जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n ही रहेगा। यानी इस एल्गोरिथम में जिसमें दो रिकर्सिव कॉल हो रही है, इसमें भी आपके पास जो है वो ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी, यानी n+1 स्पेस, ये रनिंग टाइम हो गया इसका, और रनिंग स्पेस हो गया, और ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई जो इसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैं एक में सवाल देख लूं, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। हाँ, आजान हो रही, सॉरी यार, वेट कर लेता हूँ, 5 मिनट को होल्ड लिया।